दतिया जिले के सेवड़ा विकासखंड में घने जंगल में बसी मां रतनगढ़ माता मंदिर में हर वर्ष दीपावली की दौज पर लगने वाले लखी मेला पर माता के श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला शुक्रवार रात से ही शुरू हो गया। हर वर्ष दीपावली की दौज पर मेले का आयोजन किया जाता है। जिले और अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं ने लाखों की तादाद में रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचकर मां रतनगढ़ माता और कुंवर बाबा के दर्शन किए। कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दर्शनार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। मेले में ग्वालियर मुरैना भिंड के साथ उत्तर प्रदेश का तमाम पुलिस बल सुरक्षा के लिए लगाया गया है। साथ ही विभिन्न विभाग के अधिकारियों की भी मेले की व्यवस्था के लिए जवाबदाही सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर संजय कुमार, चंबल रेंज के डीआईजी सचिन अतुलकर, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस वर्ष बाढ़ से सिंध नदी पर बना पुल बह गया है, जिससे माता रतनगढ़ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। मेले में हर वर्ष 25 से 30 लाख लोग आते हैं। सेवड़ा एसडीएम और रतनगढ़ मंदिर ट्रस्ट के सचिव अनुराग निगवाल के साथ ही कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने पार्किंग व्यवस्था, नदी पर सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल काउंटर, मंदिर तक पहुंचकर मार्ग आदि की व्यवस्थाओं को देखा और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से जानकारी ली। में रतनगढ़ माता का जो मंदिर है वहाँ पे हर वर्ष दीपावली के दौज पे काफ़ी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं श्रद्धालुगण। इस वर्ष दीपावली का दौज 5 और 6 नंबर के दरमियान होगा और चूँकि अभी कोविड का गाइडलाइंस परमिट नहीं करता कि इस प्रकार का आयोजन हो, तो इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं है। फिर भी हमने एहतियातन, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो आ जाते हैं, तो एहतियातन वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की है। तो उनको ये भी बताना है कि सिंध नदी का जो पुल है वो टूटा हुआ है, उस तरफ का मार्ग उपलब्ध नहीं रहेगा आने जाने के लिए। जो मार्ग उपलब्ध है वो ग्वालियर जिले से होकर के है,